नमस्कार फ्रेंड, हर्षिता ब्यूटी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, एक पैंट की कटिंग देखने वाले हैं जिसमें हमारा साइड पॉकेट और साइड जीप रहेगा। तो ये जो हमारी साइज़ रहेगी वो 32 साइज़ रहेगी। हम इसके हिसाब से आज एक आपको पैंट कटिंग करके दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो इसका मेज़रमेंट आपको डिस्प्ले ऊपर दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। इसकी लेंथ है वो 37 है, इसकी कमर है वो 32 है, इसकी थाई है वो 26 इंच है, इसका घुटना है वो 18 इंच है और इसकी मोहरी है वो 12 इंच है। पैंट कटिंग में हमें इसी मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद हम अपना कपड़ा किस तरीके से बिछाएंगे, देखिए जब हम सलवार बनाते हैं तब ये कपड़ा हम इस तरीके से बिछाते हैं। और ये जो हमारा पार्ट आता है, जो बंद वाला पार्ट, वो हम हमारी तरफ रखते हैं, बाकी का पार्ट हम उस तरफ रखते हैं। तो इसमें हमें ऐसा नहीं करना, बल्कि बंद वाला पार्ट उस तरफ रखना है और जो खुला वाला पार्ट है वो हमें हमारी तरफ रखना है। और दूसरा भी पार्ट है उसको हमें यहाँ से करीबन 3 इंच एक्स्ट्रा करना है। अगर आपकी कमर 30 से लेकर 36 तक है तो यहाँ से हमें 3 से ज़्यादा ही करना है। ये देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ सिलाई आएगी तो ये हमने यहाँ पे 4 इंच ज़्यादा रखा एक्स्ट्रा, ऐसे आपको भी एक्स्ट्रा रख देना है। आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए हमने ये एक और ये दो कन्नी वाला पार्ट हमने हमारी साइड रखा है। और उसके बाद दोनों पार्ट हमने, ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, और उसके बाद हमने ये जो 3 इंच ज़्यादा रखा है, मैंने यहाँ पे 4 इंच रखा है लेकिन आप 3 इंच भी रख सकते हो अगर आपका कपड़ा कम है तो। तो सबसे पहले हम एक मार्किंग करेंगे, फुटा लेंगे और देखिए आपका इलास्टिक के हिसाब से रहता है आपका इलास्टिक कितना है। आपका इलास्टिक अगर 1 इंच से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे 1 इंच रख दीजिए, और सिलाई में जो जाएगा 5 इंच तो उसके लिए आपको 1 इंच छोड़ना पड़ेगा। अगर आपका इलास्टिक छोटा है तो आपको यहाँ पे 1/2 इंच ही छोड़ना है, लेकिन हमारा इलास्टिक यहाँ पे 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा है, इसके लिए हम यहाँ पे 1 इंच छोड़ेंगे। और उसके बाद ये हमारी जो साइज़ है वो 32 साइज़ है, तो इसमें हम रखेंगे थाई हमारी जो आएगी वो हम रखेंगे 10.5 इंच पर इस तरीके से। अगर आपका 34 हो तो आप 11 इंच भी रख सकते हैं, 32 के लिए 10.5 और 34 के लिए 11 इंच। यह हमारा हो जाने के बाद अभी हम इसका घुटना देखेंगे। तो इसका जो हमारा घुटना आएगा वो हमारा करीबन 19 इंच पर आएगा। इतना हमारा हो जाने के बाद अब हम इसकी फुल लेंथ नापेंगे। तो इसकी हमारी फुल लेंथ थी 37 इंच। तो देखिए यहाँ पर 37 इंच पर एक मार्किंग हमने किया और दूसरा मार्किंग हमें फोल्डिंग के लिए किया, जो आपको आप जितना भी देना चाहते हो उतना दे सकते हो। यह हमारा हो जाने के बाद अब हम इसे मिला लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको मिला कर तैयार कर दिया है। ये हमारा हो जाने के बाद सबसे पहले हम इसकी कमर देखेंगे। ये देखिए इस तरीके से, तो इसकी कमर थी हमारी 32 इंच, तो ये हमारा हो जाएगा 8 इंच। देखिए यहाँ पर 8 इंच आ रहा है और ये यहाँ पर हमने एक मार्किंग किया हुआ है, ये 8 इंच हो गया। और उसके बाद करीबन हम टक्स देंगे तो 1/4 इंच का हम टक्स देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर 1/4 इंच और एक मार्किंग किया, और उसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच और यहाँ पर 1/2 इंच, ऐसे 1 इंच हो जाएगा। तो हम जो यहाँ पे सिलाई दबाएंगे वो 1/2 इंच करना पड़ेगा। तो ये हमारा करीबन टोटल आएगा हमारा 10.5 इंच। आपको एक बार और बता दूँ कि 32 इंच के हिसाब से यहाँ पे 8 इंच आता है, उसको 4 के साथ डिवाइड करोगे क्योंकि ये हमारे 4 पन्ने हैं इसके लिए। ये हमारा हो जाने के बाद यहाँ पे हमें आप जितना टक्स लेते हो, मैं यहाँ 1/4 इंच का टक्स लेता हूँ, तो यहाँ पे 1/4 इंच का एक टक्स का मार्किंग कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे 1 इंच और एक मार्किंग कर दिया, जो मार्किंग हमारा ये जो मार्किंग है वहाँ से हमें काटना रहेगा। ये हमारा हो जाने के बाद अब हम इसकी थाई नापेंगे। तो इसकी जो थाई थी वो 26 इंच थी, तो यहाँ पे 26 का हाफ होता है 13 इंच। तो यहाँ पे देखिए 13 इंच रखेंगे और उसके बाद एक मार्किंग हम यहाँ पर लगा देंगे। और ये हमारा हो जाने के बाद इसको हम यहाँ से इस तरीके से एक फोल्डिंग करेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और एक मार्किंग हम यहाँ पर लगा देंगे 20 का सेंट्रल लेने के लिए। अगर आपको ऐसे नहीं जमता है तो यहाँ से आप देख लीजिए कि यह आपका हो रहा है करीबन 14 इंच, तो यहाँ पर 7 इंच थोड़ा कम आ रहा है क्योंकि यहाँ पे भी 14 में थोड़ा कम आ रहा है।
तो ये हमारा हो जाने के बाद यहाँ से हम देखेंगे तो देखिए हमारा ये 7 इंच आ रहा है। तो ये हमारा हो जाने के बाद यहाँ पर भी हम ये 7 इंच कर देंगे और यहाँ पर भी हम ये 7 इंच ही करेंगे और उसके बाद यहाँ पर भी हम ये 7 इंच ही करेंगे। ये हमारा हो जाने के बाद अगर आप चाहो तो ये मार्किंग को मिला सकते हैं। हम यहाँ पे मार्किंग नहीं मिलाते बल्कि यहाँ से इस तरीके से कर देते हैं क्योंकि मार्किंग मिलाने में टाइम चला जाता है, लेकिन आपके लिए चलो देखते हैं, आप अगर सीख रहे हो तो ऐसे ही मार्किंग पहले कर दे। ये देखिए यहाँ पे हमारा एक टक्स आएगा और उसके बाद यहाँ से इसको लाइन को मिलाना है हमें। ये हमारा टक्स है, यहाँ पे हमारा एक टक्स आएगा। ये हमारा हो जाने के बाद, ये मार्किंग हमारा हो जाने के बाद अब हम इसका घुटना देखेंगे। तो इसका जो हमारा घुटना था वो 18 इंच था, आपको डिस्प्ले ऊपर दिख रहा होगा। तो हमारा 18 का आधा होता है 9 इंच, तो यहाँ पे हमारा 9 इंच आना चाहिए, लेकिन ये हमारा सेंट्रल है, यहाँ जितना आया उतना यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 4.5 आएगा और यहाँ पर भी हमारा 4.5 आएगा। ये देखिए इस तरीके से ये 4.5 आएगा हमारा और यहाँ पर भी 4.5 आएगा, तो ये हमारा 9 इंच हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ 4.5 हो रहा है और यहाँ से यहाँ पर भी 4.5 ही होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा हो जाने के बाद अब हम इसकी मोहरी देखेंगे। तो इसकी जो मोहरी थी वो हमारी 12 इंच थी, तो 12 इंच थी तो उसका हाफ़ होता है 6 इंच। 12 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 6 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 3 इंच यहाँ पर रखेंगे और 3 इंच यहाँ पर रखेंगे, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली 6 इंच हो जाएगा। ये देखिए 3 इंच यहाँ पर और 3 इंच यहाँ पर। ये हमारा हो जाने के बाद यहाँ से हम इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा क्रॉस इस तरीके से करेंगे। ये हमारा हो जाने के बाद अभी हम इसको थोड़ी बहुत शेप देंगे। ये इतना हमारा हो जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमने थाई लिया था। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हम जो थाई का नाप लेते हैं वो जिस तरीके से हम लेते हैं उसमें हम थोड़ा लूजिंग रख के ही लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से 3 या 4 उंगल का हम लूजिंग रख के ही जो साइज़ होती है उसको हम नाप करते हैं। ये देखिए 26 इंच और यहाँ पे इस तरीके से इतना लूजिंग है, तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ भी लूजिंग नहीं देंगे। ये हमारा हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए 13 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे 1.5 इंच, यहाँ पे 1.5 इंच पर अंदर की साइड एक मार्किंग कर देंगे। ये मार्किंग हमारा हो जाने के बाद ये मार्किंग को हम इसके साथ मिला लेंगे और यहाँ से हम इसको शेप देंगे। आप अपने हिसाब से भी शेप दे सकते हैं, शेप अच्छा आना चाहिए। ये देखिए इतना हमारा हो जाने के बाद अभी हम इसे वो कटिंग अभी नहीं करना है, बल्कि ये हमारा हो जाने के बाद अब हम इसके पीछे का भी पल्ला देख लेते हैं। तो समझ लीजिए यहाँ से हम करीबन, ये देखिए हमें यहाँ से ही गिनना है क्योंकि हम यहाँ से ही कटिंग करने वाले हैं इसको, तो यहाँ से करीबन 2.5 इंच, ये देखिए इस तरीके से करीबन 2.5 इंच इस तरीके से ऊपर रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पर भी मार्किंग अपना आधा इंच नहीं छोड़ा है और यहाँ पर भी आधा इंच नहीं छोड़ा है, तो ये तो हमारा फिट हो जाएगा। इसके लिए समझ लीजिए यहाँ पर भी आधा इंच और यहाँ पर भी आधा इंच, तो ये हमारा हो जाएगा 1 इंच। वैसे ही हमें पीछे की साइड पर भी 1 इंच छोड़ना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंच। तो ये देखिए ये जो आपका मार्किंग है वहाँ से हम एक मार्किंग 2 इंच पर लगाएंगे और यहाँ पर भी इस तरीके से एक मार्किंग हम 2 इंच पर लगाएंगे। ये हमारा हो जाने के बाद हमें यह पूरे में 2 इंच ही मार्किंग करना है। ये देखिए आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। और उसके बाद हमें यहाँ से देखना है, ये देखिए ये हमारा कितना है, ये हमारा यहाँ 14 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर भी पकड़ कर इसको 14 इंच कर देना है, देखिए इस तरीके से। और ये हमारा हो जाने के बाद ये सभी लाइन को हम मिला लेंगे। ये देखिए इसको हम यहाँ से इस तरीके से मिलाएंगे, ये 14 इंच है हमारा, और फिर सेफ पट्टी की मदद से भी हम मिला लेंगे। ये हमारा हो जाने के बाद यहाँ पर भी हम शेप देंगे। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर जो सेंट्रल है वहां से लेकर यहाँ तक इस तरीके से उठा के काटेंगे क्योंकि पीछे का साइज हमारा बड़ा होता है। तो ये देखिए हमें इस तरीके से मार्किंग करना है, आप मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे।
अभी हमें कटिंग किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप, मेरे ख्याल से पहले आप ये कटिंग करें, फिर ये कटिंग करें, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कटिंग कर दे। ये कटिंग हमारा हो जाने के बाद ये भी हम कटिंग कर देंगे, और उसके बाद पीछे का साइड हम हटा देंगे, और उसके बाद हमें ये वाला जो है वो कटिंग करना है आगे का पार्ट, जिसमें हमारा आ जाएगा ये देखिए इस तरीके से। सबसे पहले हमें बैक साइड कटिंग करना है। ये हमारा हो जाने के बाद अब हम इसे यहाँ से इस तरीके से कटिंग करेंगे। और ये हमारा हो जाने के बाद ये हम पहले कट लगा देंगे। और ये हमारा हो जाने के बाद ये देखिए, ये हमारा हो जाने के बाद अभी हम ये जो पीछे का पल्ला है उसे हम हटा देंगे, और आगे का पल्ला है वो हम कटिंग करेंगे। तो ये जो हमने मार्किंग किया है हमें उसके हिसाब से वापस से एक बार कटिंग करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा कटिंग कुछ इस तरीके से आएगा। तो हम तो इसी तरीके से कटिंग करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके अगले वीडियो में हम इसका स्टिचिंग देखने वाले हैं, जिसमें हम साइड पॉकेट लगाएंगे, इसमें हमारा हाफ बेल्ट और हाफ इलास्टिक रहेगा, और साइड में चेन भी लगाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।